वैश्विक महामारी को रोकने के लिए मेदिनीनगर नगर निगम ने एक अचूक तरीका निकाला, जिससे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मॉडर्न तरीके से जो नगर आयुक्त है उनके नेतृत्व में ये पूरे रोड को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं डाल्टनगंज के छिमुहान चौक पर, जहाँ पर फायर ब्रिगेड की मदद लेकर जो नगर आयुक्त है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो सड़कें हैं जहाँ पर संक्रमण फैलने का सबसे ज़्यादा चांसेस था, जो हैंड्रिल्स है उन पर जो है पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड 1% और जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका छिड़काव करके लोगों को जो सड़कें हैं उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर आयुक्त खुद हमारे साथ है, सर से भी जानते हैं, सर ये पहल आखिर कैसे शुरू हुई और इससे कितना फ़ायदा लोगों को मिलेगा कोरोना से लड़ने में? बिल्कुल है, क्योंकि अगर कहीं भी सड़क पे ये पे या जहाँ जहाँ लोगों का मूवमेंट हुआ है अगर थोड़ा भी वायरस कहीं होगा तो अगर उस एरिया को हम सैनिटाइज नहीं करेंगे, अभी भी लोगों का कुछ लोगों का आवागमन जारी है, जैसे हमारे पुलिस पर्सनल है, हेल्थ कर्मी, वो भी तो आना जाना करेंगे, सारी दुकानें जहाँ खुली हुई थी टच है तो वहाँ जहाँ जहाँ हैंड टच होगा, तो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी पब्लिक मूवमेंट हुआ है, हाथ टच हुआ है, सभी एरिया को हम लोग सैनिटाइज करें। क्या क्या कोशिश होगी, क्या दुकानों को भी सैनिटाइज किया जाएगा, जो एटीएम्स हैं, बैंक परिसर हैं, सरकारी दफ्तर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का मूवमेंट हुआ है जहाँ पब्लिक प्लेसेस हैं, एटीएम्स हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, दुकानें जितनी हैं, तो ये सब उस सब एरिया को जहाँ शटर, इवन शटर दुकान जहाँ भी आना जाना सारे को इससे हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। इससे फ़ायदा कितना मिलेगा सर, कोरोना से लड़ने में कितना फ़ायदा मिलेगा, और ये आइडिया कहाँ से सर आपके पास आया? ये सर देखिए, जो कोरोना वायरस है इसके संक्रमण से बचाव के लिए इसका सॉल्यूशन जो है सैनिटाइज करने का 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन ही है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर से बनता है। तो हमने पहले ब्लीचिंग पाउडर मंगाया, अभी क्या है कि छोटे लेवल पे हम लोग कर रहे थे हैंड मशीन देकर ये करने के लिए, लेकिन वो प्रॉपर नहीं था, हम लोग तो छोटे दुकानें वगैरह कर रहे हैं, लेकिन सारा सड़क को सैनिटाइज करना, हर एरिया को सैनिटाइज करना, ये हमारे बड़े मशीन से, इसलिए हमने इसमें फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल किया, ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा, हम लोग ज़्यादा सैनिटाइज कर पाएंगे। तो फायर ब्रिगेड का मदद ले गया है, और जो कह सकते हैं कि एक वास्ट एरिया को इसमें टच करने के लिए ये पहल की गई है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर किया जाए। AK सिंह जी हैं, फायर ऑफिसर हैं, वो भी उनसे भी जानते हैं कि आखिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से जो ये छिड़काव होगा तो ये इसका लॉन्ग रेंज कितना होगा और कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, लोगों को कितना फ़ायदा होगा इससे? लोगों को जैसे किसी प्रकार का कीटाणु है जो नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया, उसको हम लोग पानी से मिला के घोल बना के उसको पसार दे रहे हैं, जिससे कीटाणु जो है मर जाए, लोगों को कोरोना वायरस से बच जाए, इसलिए हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। ये नगर निगम और DC साहब के आदेशानुसार है, नगर निगम और DC सर के आदेशानुसार पूरे शहर में जो रोड है, जो भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा, और कोशिश यही है कि पूरी तरह से बचाव किया जाए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं शैलेश कुमार जी, लगातार कोशिश कर रहे हैं, DTO भी हैं, तमाम गाड़ियां बंद हैं सर के पहल पर, लेकिन कोशिश जारी है फैले नहीं संक्रमण, और सर भी पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर लोगों को? लोगों को मैसेज देना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों को मैसेज आया है, हम लोग चाहते हैं कि सभी जनता तक वही मैसेज जाए, पूरे तरह से लॉकडाउन की जो भी प्रक्रिया है पूरे तरह से सफल करें हम लोग मिलके, सब मिलके। अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो प्रशासन और विधि व्यवस्था और फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वही रोड पर हैं, बहुत कम इक्के दुक्के लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल कॉलेज से निकल रहे हैं, अन्यथा लोगों का भी काफ़ी सहयोग है, एक आध मामलों को छोड़ के काफ़ी लोग सहयोग कर रहे हैं और हम लोग अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, और लोग से और सहयोग की अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि हम इस जो वैश्विक महामारी कोरोना फैला है उस पर निजात पाया जा सके। श्रवण सोनी, कशिश न्यूज़, पलामू।